नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी करने आए युवक का हुआ कत्ल, पुलिस ने आरोपी मंगू मठ को किया गिरफ्तार। संगरूर के गांव बडरुखा में गत रात्रि इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी भीषण आग, पास पड़ी वॉशिंग मशीन व बिजली की तारें भी पिघली। गढ़शंकर से कोट पतुही को जाने वाली बिस्त द्वाबा नहर में धुंध के कारण अज्ञात वाहन को बचाते बस नहर में गिरी, दो व्यक्ति हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा की एक गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी करने आए युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। गौरतलब रहे कि आरोपी ने खुद को चोराखू गुरुद्वारा परिसर के अंदर बंद कर लिया था। एक निहंग सिख ने बेअदबी करने के संदेह में एक युवक की कथित तौर पर हत्या कर दी। रमनदीप सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले निहंग ने वीडियो अपलोड किया और हत्या की जिम्मेदारी ली। जैसे ही आरोपी ने खुद को चोराखू गुरुद्वारा परिसर के अंदर बंद कर लिया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। तो वहीं कत्ल से पहले मृतक ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कबूल किया कि वह बेअदबी करने आया है। तो वहीं नौजवान कत्ल मामले में कपूरथला पुलिस ने रमनदीप मंगू मठ को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा SSP कपूरथला वत्सला गुप्ता ने किया। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये तकरीबन 10:10 से गुरुद्वारा साहब एंटर करता और 1:00 से बाथरूम के अंदरों जदों सेवादार उत्थे जांदे तो उदों ट्रेस हुंदा वी अंदर कोई लुकिया होया। की लगदा इन्ना चिर बाथरूम च रहा है? इन्ना चिर बाथरूम च रहा इहदे कोलों सिर्फ एक मोबाइल नंबर जिहड़ा उह मिलिया, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई फालतू कपड़ा नहीं, कोई बैग नहीं। बार बार अपनियां स्टेटमेंट्स बदल रहा पर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जिहड़ी मीडिया नूं जे तुसीं कहो असीं दे भी देंगे, अदरवाइज़ वो आ भी चुकी मीडिया च, जिथे मन रहा कि मैनू किसी दोसांझा दे किसी व्यक्ति ने, क्योंकि असीं नां नहीं लैंदे भी वो इन्वेस्टिगेशन का विशा भी, मैनू कुछ पैसों का लालच दे के इत्थे भेजा गया सी और मैनू कहा गया सी उत्थे जाके उथल पुथल मचाओ। उथल पुथल का मतलब आ भी थले, क्योंकि अखंडपुर साहब चल रहा और थलड़े बाथरूम के लुकिया का मतलब भी थल उत्थे जाके इन्हें उत्थे कोई हिलजुल करनी सी। देखो असी तुहानू ब्रीफिंग देने वास्ते इस करके इकट्ठे हुए कि जड़ा एक इंसीडेंट होया जिहदे च लोकल गुरुद्वारा साहब दे विच एक लड़के की मौत हुई। उस केस दे विच असी गुरुद्वारा साहब दे SGPC दा गुरुद्वारा उन्होंने एक SGPC दे जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने बयान ते उन्होंने लैटर हैड ते स्टेटमेंट लई है, उहदे ते असी एक केस रजिस्टर किया FIR 12 अंडर सैक्शन 295A एंड 304 IPC कल्पेबल होमीसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जड़ा बंदा इस कल्पेबल होमीसाइड च इनवॉल्व आ उहदा नाम रमनदीप आ। वी हैव डिटेन्ड हिम एंड ही विल बी अरेस्टड इन दिस केस एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। कि CCTV फुटेज जी कि वह कदों आया, कितने गया, ये दोनों का किवें कॉन्सीडेंट्स होया कि दोनों उस टाइम पर इकट्ठे से एक टाइम पर जी, दोनों जने कितों आए, ऑल इज बीइंग इनवेस्टिगेटेड। ठीक है, मैं इनवेस्टिगेशन से फॉर द टाइमिंग जो मैं नॉलेज भी होए तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा ता करके साड़ी इनवेस्टिगेशन हिट ना होए। मैं एक गल अश्योर करना, तफ्तीश मैरिट पर होएगी। SSP कपूरथला मैडम वत्सला उन्होंने मोनीटर कर रहे हैं, SP फगवाड़ा तफ्तीश न डायरैक्टली तफ्तीश कर रहे हैं, DIG जलंधर रेंज मोनीटर कर रहे हैं। ओनली अश्योरेंस साड़ी ये है कि जे कतल है तो 304 च नहीं रहेगा। ठीक है सर, रमनदीप से पहले भी कोई पर्चे दर्ज है सर? अजे तक जो सानू सरे दस्त सज्जे खब्बे तो साडा जिहड़ा तरीका आ पता करन दी कि इंसान कौन है उहदे तहत ये निहंग है। ठीक है, लुधियाणे का रहने वाला है, इहदी वाइफ का नाम नैन्सी है,
ये बच्चे भी ने ये होर भी केसिस जेल च रहा है ठीक है अजे तक की साड़ी जो वो भी मैं फिर सरेदस्त कह रहा कि जड़ी पड़ताल की वो तो यह लग्या कि कतल का पहल परचा शायद ये खिलाफ पहला है कतल का जल्द होमसाइड ऑल दिस इज बीइंग लुक्ड इनटू कि आया उन्हें रेज इस करके किया कि उन्हें शक पिया कि बेअदबी कर आ रहा है ठीक है वो कितने बैठा सी कितने उन्हें कढ़िया गया किहड़े कमरे च लिजाया गया कदों उन्हां दा की होया ये जड़ी सीसीटीवी की फुटेज अंदरली ते बाहरली है वो तफ्तीश लिया के तफ्तीशी टीम जड़ी है और SSP कपूरथला तुहानू जरूर क्लैरिफाई करनगे। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो सावधान रहें, क्योंकि संगरूर के गांव बडरुखा में 2 माह पहले नई खरीदी इलेक्ट्रिक स्कूटी को आग लग गई, जिस कारण कुछ ही मिनटों में स्कूटी जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक नौजवान ने काम पर आने के बाद घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी को खड़ा किया था, जिसके बाद रात 11 बजे अपने आप स्कूटी को आग लग गई और मिनटों में ही वह आग का गोला बन गई। ये आग इतनी भीषण थी कि पास पड़ी वॉशिंग मशीन पिघल गई और बिजली की तारें भी झुलस गई। तो वहीं कंपनी ने स्कूटी खरीदने पर 2 वर्ष की गारंटी दी थी, लेकिन अब कंपनी कोई भी मुआवजा देने से इनकार कर रही है, जिस कारण गरीब परिवार अब बहुत परेशान है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। गढ़शंकर से कोट फतूही को जाने वाले बिस्त दुआबा नहर पर पड़ते गांव एमा मुगला पुल पर एक निजी कंपनी की मिनी बस नहर में गिर गई, जिस कारण 2 व्यक्ति घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक निजी कंपनी की बस पंजोड़े से गढ़शंकर की ओर जा रही थी, जब ये बस एमा मुगला पुल के पास पहुंची तो धुंध अधिक होने के कारण किसी अज्ञात वाहन को बचाने के चक्कर में बस नहर में गिर गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बस में से 3 व्यक्तियों को बाहर निकाला, तो वहीं इस हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना गढ़शंकर के SHO बलजिंदर सिंह मल्ली ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। साडा एक्सरसमेंट सिगा श्याम सुंदर दत्ता गढ़शंकर दा अपना कारोबार है, नाल इन्हें बसा पाइया सगिया ते अज अचानक ही इधर एक बस की दोनों बसा सगिया एक बस में बसा अपने बंदे चढ़ाता पाया सी, उधरों दूजे पासों एक बस आई उसके मोहरे एक मोटरसाइकिल आया, पता नहीं की आया धुंध दे विच ना देखने की वजह ब्रेक मारी, ब्रेक के नाल ही इधर बस ने जोर मारिया ते इन्ना है कि उसके विच एक ड्राइवर सेगा कंडक्टर सेगा एक बच्चा सेगा और बहुते सवारियां है नहीं सीगा, बचाव हो गया ते कुड़ी दे भी सट लगी है ते ड्राइवर ते कोई बहुती सट नहीं लगी ते जड़ा बच्चा है वो सिर दे सट लगी है वह पता नहीं हूँ इतने पता लगेगा हस्पताल की हाल हाल चाल है। वेखो जी तकरीबन सुबह 9:30 एक बस सी जी मिनी बस ये कोट फतूही तो इधर गढ़शंकर जा रही थी, जब एम ए मुगला लागे पुजी तो वो अगे एक जकदम एक मोटरसाइकिल आया उन्होंने बचाद जी बस सी नहर डिग पी तो जिदे बस के लड़का कितने का सगा एक सवारी वो सवार सी तो वह मामूली सट्टा लाइया सी आ गई लगिया एक्सीडेंट दौरान तो उन्होंने गढ़शंकर होस्पिटल एडमिट कराया, बाकी सारा ठीक ठाक है जी। तो जी बस अभी कढ़वा रहे नहर के एक सवारी सी बस के सिर्फ जोड़ा कितने का लड़का लड़का से जो सट्टा लगियाँ एक हाँ नहीं 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 एक कनैक्टर कुड़ी से उन्होंने बस वाले वो भी कनैक्टर ही करते मामूली सट्टा लगियाँ। विद्या भारती पंजाब संस्कार केंद्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डियालोग समर्पण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश विद्या भारती जालंधर में पहुंचे, जहां पर दैनिक सवेरा से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि भारत विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में पता है और वे 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। विद्या भारती के इस मंदिर से आके बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है जिस विद्या का जो प्रसार कर रहे हैं, स्कूल खोल के सिंगल टीचर स्कूल खोल के विद्या का प्रसार करके देश में अनपढ़ता खत्म करने लिए बहुत बड़ा योगदान है विद्या भारती का और असी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस तरह देश को विकास कर तरक्की लोगों को आह्वान किया, देश दुनिया का सब तो तरक्की करने वाला देश बनया, 5वीं सब तो बड़ी राष्ट्रीय इकोनमी बनी है,
सब तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में हो रही है। भारत विकसित तो विकासशील तो विकसित राष्ट्र बन बद रहा है और कई सारी ईडी ने पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी वन्य घोटाला मामले में बताई जा रही है। गौरतलब रहे कि 30 नवंबर 2023 को ईडी ने धर्मसोत के निवास स्थान पर छापेमारी कर जांच की थी। इससे पहले साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पहले वन घोटाले में और फिर आमदनी से अधिक जायदाद बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सुनाम के अधीन आते गांव जखेपल का निवासी सिपाही तरलोचन सिंह, जो कि ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गया था और उसका इलाज दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। गौरतलब रहे कि वर्ष 2013 में फौज में भर्ती हुए तरलोचन सिंह की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वे अपने माता पिता का एक लौता बेटा था और 3 बहनों का एक लौता भाई था। उसकी ड्यूटी लेह में लगने के कारण उसे मेडिकल समस्या आई, जिस कारण अलग अलग मिलिट्री अस्पतालों में इलाज करवाने के बाद आखिरकार दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस कारण इलाके में शोक की लहर है। वही मृतक तरलोचन सिंह का अंतिम संस्कार उसके गाँव जखेपल में कर दिया गया है। इस मौके पर सूबेदार सरबजीत सिंह ने कहा कि वे परिवार के साथ दिल से हमदर्दी प्रकट करते हैं। सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार हर संभव मदद की जाएगी। जवान के परिवार की देखरेख करना हमारी सरकार का पहला फर्ज है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देश नु मान हुंदा जिहड़ी साडी फौज आ साडी रक्षा करदी है। सरदार तरलोचन सिंह इस पिंड दा जखेपल पिंड दा वसनीक सी, राजा सिंह दा सपुत्र है। घटना वापरी कि वो दुराने इलाज उन्हां दी मौत हो गई। फौज दे विच भर्ती हुए बड़ी आर्थिक मंदी दे विचों उस समय च भावें दलितां दे विचों पढ़ना लिखना बड़ा औखा हुंदा, पर इस परिवार चों उह पढ़ाई करके अपनी फौज दे विच नौकरी शुरू कीती, सर्विस कीती ते अज साडे विचों नहीं रहे। पर देश नूं पिंड वासियां नूं, क्योंकि पिंड वासियां दा बहुत उहदे ते हाथ रहा कि अज सारे उहदे अंतम संस्कार ते परिवार नाल दुख दुलासा देण वास्ते सारे नाल खड़े ने। सरदार तरलोचन सिंह जी जो आर्मी विच सर्विस कर रहा सी, कुछ 2 साल पहला ये आर्मी विच ही तकरीबन लेह वाली पोस्टिंग सी। वो ठंड के कारण कुछ इन्हूं प्रॉब्लम आ गई सी, उस तो बाद बीमार रहन लग गया। काफ़ी वख वख हस्पतालों में मिलटरी हस्पतालों में भी इन्हें अपना इलाज करवाया। हुण भी इलाज चल रहा सी दिल्ली का आरा हस्पताल च, हार्ट प्रॉब्लम सी कोई, उस करके हार्ट वास्ते कोई डेथ हो गई। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲੜਕਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। सुनाम के गांव अकालगढ़ का रहने वाला शगुन प्रीत सिंह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और कई जगहों पर उसने नौकरी के लिए अप्लाई भी किया हुआ था, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण वह काफ़ी समय से परेशान चल रहा था, जिस कारण वह रात को बिना बताए घर से चला गया और सुबह लखमीरवाला गांव के पास ट्रेन की पटरी पर उसकी डेड बॉडी मिली। तो वही इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों ने किसी भी तरह की किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई है और पुलिस द्वारा आईपीएस की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सर वो ना शगनप्रीत सिंह नाम आ, धर्मजीत का बेटा गा, अकालगढ़ पिंड तो सीगा। रात वो लगभग 9 बजे घरों बिना दसे पुछे आ गया सी, ते 11 बजे वो ट्रेन दे नीचे आके उन्हें खुदकुशी कर ली ते अपने लखमीर वाले दे कोल। ते रात असी उहदी डेड बॉडी चुकी सीगी, अज उहदे पेरेंट्स आ गए सीगे ते उन्होंने खुदकुशी कीती सीगी। ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀ ਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के संबंध में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महान नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से निकाला गया। ये नगर कीर्तन सुबह 11 बजे गुरुद्वारा साहिब से आरंभ होकर अलग अलग इलाकों से होते हुए साईं वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान संगतों ने बड़ी संख्या में इस नगर कीर्तन में शामिल होकर गुरुवाणी का संचार किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में फूलों से सजाई गई पालकी के साथ साथ शब्दी जत्थे चल रहे थे। इस नगर कीर्तन की शोभा देखते ही बनती थी। तो वहीं संगतों ने जगह जगह लंगर लगाकर व पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बैंड पार्टियों व गतका पार्टियों ने अपनी कला के जौहर भी दिखाए। इस अवसर पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पार्षद रवि सैनी, आप नेता दिनेश ढल ने इस नगर कीर्तन में अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हरभजन सिंह सैनी ने सभी संगतों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जसबीर सिंह मनचंदा, हरविंदर सिंह नागी, भूपेंद्र सिंह बेदी, नरेंद्र सिंह सैनी, कुलविंदर सिंह सीए, सतेंद्र सिंह सोडी, मोहन सिंह मठारू, सोहन सिंह जीता, गुरदेव सिंह कलसी, चतर सिंह, सोहन सिंह संघेड़ा, जगजीत सिंह राणा, हरजीत सिंह भाईजादा, सुखविंदर सिंह भाईजादा, सेवा सिंह सैनी, जंग बहादुर सिंह, परमिंदर सिंह और बलबीर सिंह मठारू सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अखबार के पूरी खा देते हैं, चैनल के दे
ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अमृतसर में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर रोहित डडवाल द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित डडवाल ने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले एक 70 वर्षीय व्यक्ति को बार बार यूरिन करने में दर्द, यूरिन में खून के साथ साथ तीव्र पेल्विक दर्द का अनुभव हो रहा था। उनकी चिकित्सीय जांच में उच्च सीरम PSA का पता चला, जो प्रोस्टेट कैंसर और बाएं रिनल ट्यूमर की ओर इशारा करता है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोहरी घातकता की घटना अत्यंत दुर्लभ है। रोगी ने अमेरिका और भारत दोनों में कई अस्पतालों का दौरा किया और सभी विकल्पों की खोज करने के बाद वह फोर्टिस अस्पताल मोहाली के यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर रोहित डडवाल से मिले। डॉक्टर रोहित डडवाल ने मामले की गहनता से जांच की और सभी जांचों की समीक्षा करने के बाद रोगी को रेडिकल प्रोस्टेटोक्टोमी के साथ साथ रोबोट असिस्टेड रेडिकल नेफ्रोक्टोमी की योजना बनाई गई। दोनों प्रमुख सर्जरी एक साथ करने की जटिलता को देखते हुए प्रोस्टेट कैंसर व किडनी ट्यूमर को हटाने के लिए रोबोट एडेड सर्जरी का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सर्जरी के अगले दिन ही मरीज चलने के काबिल था तथा जाँच करने के बाद मरीज पूरी तरह से अब स्वस्थ जीवन जी रहा है। तो वही डॉक्टर रोहित डडवाल ने बताया कि हाथों की बजाय रोबोटिक सर्जरी मरीज के लिए कम तकलीफ व ज्यादा लाभदायक साबित हुई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाम है डॉक्टर रोहित डडवाल, मैं कंसल्टेंट हूँ, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्ट हूँ एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या? देखिए, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक तो सबसे पहले अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि ट्यूमर्स किडनी के और प्रोस्टेट के ट्यूमर्स कैसे होते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कितने कॉमन है। उसके अलावा हमने रोबोटिक सर्जरी के बारे में डिस्कस किया है, रोबोटिक सर्जरी क्या है, क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। उसके अलावा अंत में हमने ये डिस्कस किया एक केस के बारे में, जो कि 70 साल के बुजुर्ग थे, जो कैलिफोर्निया USA के रेजिडेंट थे। वो बेसिकली अमृतसर को बिलोंग करते थे, उसके बाद वो माइग्रेट कर गए थे। उनको अपनी रूटीन एवेल्यूशन में प्रोस्टेट का कैंसर और साथ में किडनी का ट्यूमर होने का पता लगा था, तो उनका हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा दोनों कैंसर को निकाल के एक सफल ऑपरेशन किया था, जो कि अब 2 महीने के ऊपर हो गए हैं और पेशेंट इज टोटली फाइन। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया और कैसे ये सर्जरी हम संभव कर पाए और कैसे इससे बेनिफिट हुआ पेशेंट को और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट कैसे रहा। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि ये किडनी और प्रोस्टेट के कैंसर साथ में होना बहुत रेयर है एंड दोनों को रोबोटिकली निकालना मुश्किल है, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 10 जगह पे इससे पहले हुई थी। ये जो लिटरेचर हमारे पास जो हमने सर्च किया है लिटरेचर और हमें जो पता लगा है, तो इससे पहले 10 जगह पे ही ऐसा सर्जरी कर पाए थे, इंक्लूडिंग मिशिगन USA, माउंटसिनाई USA एंड पीपल्स चाइना में या फिर जापान में ऐसी सर्जरी हुई थी। दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित सिंह सभा गुरुद्वारा चंडियाला गुरु में से विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। ये नगर कीर्तन सिंह सभा गुरुद्वारा बाजार कश्मीरिया से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में सरबत के भले की अरदास कर निकाला गया, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापिस गुरुद्वारा साहिब में आकर सम्पन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगतों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं गतका पार्टियों की ओर से अपनी कला के जौहर भी दिखाए गए। इस दौरान शहर वासियों ने जगह जगह पर लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज असी सारे राल मिल के धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सरबंस धानी पिता जी का आगमन गुरपुरब मना रहे हैं। उन्हां दे आगमन गुरपुरब की खुशी में गुरुद्वारा सिंह सभा बाजार कश्मीरिया वालों महान नगर कीर्तन सजाया गया है। यह नगर कीर्तन इस करके सजाए जाते हैं ताकि सिख कौम का प्रचार जिहड़ा है वध चढ़ के किया जा सके। सारियां गुरु दियां लाडलियां फौजां रल के, गुरु की संगत रल मिल के गुरु साहिब दे आगमन गुरपुरब दियां खुशियां मनाउंदियां ने, नाल गुरसिखी का प्रचार करदियां ने।
लाखों भक्तों के सहयोग, समर्पण, त्याग और संघर्ष के बाद 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में बरनाला की सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, मंदिर कमेटियां, कीर्तन मंडलियां, लंगर कमेटियां भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही हैं। इसी संदर्भ में विशाल बैठक का आयोजन गीता भवन बरनाला में किया गया। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पंजाब प्रांत के सह संयोजक एवं गो सेवा प्रमुख चंद्रकांत ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु घर आएंगे और पूरे विश्व में दीपावली का माहौल होगा। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और घरों में दीपोत्सव किया जाएगा। इस मौके पर आचार्य श्रीनिवास महाराज, प्रदेश अर्चित पुरोहित स्वामी सहज प्रकाश, एडवोकेट दीपक जिंदल, विश्व हिंदू परिषद के यशपाल शर्मा, गीता भवन ट्रस्ट के बसंत कुमार गोयल, राजेंद्र गार्गी, भारत मोदी, विनोद शर्मा, राकेश बबलू, बजरंग दल के नीलमणि समाधिया, श्री ब्राह्मण सभा के अनिल दत्त शर्मा, जिमी मित्तल, प्रवीण सिंगला सहित असंख्य लोग उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। साडे पंजाब दे जिहड़े राम मंदिर दे प्रमुख ने ओ श्री चंद्रकांत जी राजगीता भवन दे विच एक बैठक रखी गई है जिहदे विच लोगों 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम किस तरीके नाल मनाना है उस वास्ते साडे सभी सनातनियों उत्साहित करन वास्ते उन्होंने इत्थे गीता भवन दे विच आगमन होया है ते उन्होंने सारी जनता नू आह्वान किया है कि एक जिहड़ा 500 सालों का संघर्ष सी साडा ये अज पूरा हो गया है ते भगवान राम अपने श्री विग्रह दे विच विराजमान हो रहे हैं। उस समय नू उस घड़ी नू सारा संसार जिस तरीके नाल देख रहा है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन दे विच जिहड़ा 11 to 1 बजे का समा है वह सारा भगवान राम दे प्रति सारे शहर दे विच सारे इलाके दे विच सारा वातावरण राममय हो। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर में जो 22 तारीख यानी 22 जनवरी 2024 रामलला अपने गर्भगृह में जो विराजित होने जा रहे हैं और उस दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले जो पूरे संसार में, मैं केवल भारत नहीं कह रहा, पूरे संसार में एक जो दिव्य भव्य वातावरण बन रहा है राम में, पूरी हर शहर, हर प्रांत, भारत, संसार, जिधर देखो उधर राम जी की चर्चा चल रही है। और क्यों ना चले, ईशोपनिषद का जो पहला सूत्र है वो कहता है तेन तुक्तेन भुंजिथा, ये सारी सृष्टि मेरे राम की है, तुदीयं वस्तु गोविंदम, मैं तो उसकी चीज मान के उपयोग कर रहा हूँ। जो रामलला 14 वर्ष यानी भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी और आज मेरे रामलला 500 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आज अपने जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं और उस मंदिर के भूतल में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उससे पहले जो वातावरण बना है वो भी देखने वाला है। सानू सबनों पता है अयोध्या विच श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो 496 वर्ष बाद भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस दे विच अक्षत वितरण राही सब लोगों नू असी उस कार्यक्रम विच भाग लेने वास्ते कह रहे हैं। तो जिहड़े अक्षत है भगवान श्री रामचंद्र जी वालों ही पूरे समाज विच वंडे जा रहे हैं ते असी उस मोहल्ले दे जिहड़े मंदिर नू ही अयोध्या मन के उते ही कार्यक्रम जिहड़ा है वो लाइव टैलीकास्ट अयोध्या तो सवेरे 11 बजे तो लैके 1 बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला 500 साल बाद भगवान रामचंद्र जी की जिहड़ी आरती है उस आरती विच
पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सारे हिंदू लोग जिहड़े है इस आरती के सहभागी बनणगे साक्षी बनणगे और ये जिहड़ा कार्यक्रम लगभग बरनाले दे विच असी 20,000 लोगों तक संपर्क किया है। बरनाले का कोई मंदिर नहीं है जिहड़ा ये अछूता है। सारे मंदिर जिहड़े है इस कार्यक्रम नूं चलाणगे अपने आले दुआले मोहल्ले दे जिन्ने भी लोग है उस कार्यक्रम विच भाग लैणगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व को समर्पित 75वां महान दशमेश उत्सव 10 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 17 जनवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, जिसके तहत गुरुद्वारा हर कीरत साध संगत निहंग निवास जालंधर से एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापिस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान संगतों ने जगह जगह लंगर लगाकर व पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अमरजीत सिंह निहंग, अवतार सिंह, राजेंद्र सिंह मुल्तानी, पंकज ढींगरा, सुरजीत सिंह निहंग, इंद्रपाल सिंह सूर, जरनैल सिंह निहंग, अमृतपाल सिंह निहंग, करणवीर सिंह निहंग, अवतार सिंह निहंग, सतपाल सिंह, कुणाल मलिक, जसवंत सिंह, ज्योत प्रकाश सिंह, सुच्चा सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। सार संगतियो, कल साडे महान गुरु दा महान दिहाड़ा है। कल की धर्म पिता दशमेश पिता का कल आगमन दिहाड़ा है और सार संगत जी साडी निहंग सिंह सभा नूं लगभग 5 पीढ़ियां तो इस नगर कीर्तन नूं और अज के इस गुरपुरबा मनाते आया 73 साल भी बीत हो चुके सन। हूँ 75वां दिहाड़ा असी मना रहे हैं निहंग सिंह सभा बस्ती शेख जलंधर वालों, तो 75वां साल सानू हो गया है। 75 साल निहंग सिंह सभा के गुरु कलगी धर के चरणों के नाल। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। फगवाड़ा के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी करने आए युवक का हुआ कत्ल, पुलिस ने आरोपी मंगू मठ को किया गिरफ्तार। संगरूर के गांव बडरुखा में गत रात्रि इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी भीषण आग, पास पड़ी वॉशिंग मशीन व बिजली की तारें भी पिघली। गढ़शंकर से कोटपतुही को जाने वाली बिस्त द्वाबा नहर में धुंध के कारण अज्ञात वाहन को बचाते बस नहर में गिरी, 2 व्यक्ति हुए घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।